हाँ वो अभी पूछ सकता है लास्ट क्लास में, अगर किसी को कोई डाउट है जो चीजें पढ़ाई गई थी, अगर नहीं डाउट है तो लेट्स मूव अहेड एंड दीस थिंग्स दैट वी हैव डिस्कस्ड, लेट्स डिस्कस दोस थिंग्स। तो यहाँ पे पहले तो कुछ रिविजन जो विषय पढ़ा चुके हैं ऑलरेडी, तो यहाँ से हमने लास्ट क्लास पढ़ा था उसके ओपिनियन, ए जेंटलमैन का ओपिनियन क्या होता है इसके बारे में यहाँ इस पैराग्राफ में बताया गया है, किस किस तरह का उसका ओपिनियन होना चाहिए। ठीक है, ह्यूमन रिलीजन के रिलेटेड, रिलीजन से रिलेटेड या रिलीजन प्रैक्टिसिंग से रिलेटेड क्या ओपिनियन होना चाहिए उसका, किस तरह उसका बिहेवियर होना चाहिए जो पर्सन किसी एक पर्टिकुलर रिलीजन में बिलीव करता है उसके ऊपर एक्ट करता है, तो उन चीजों से क्या उसका इफेक्ट पड़ता है, इन सभी चीजों को यहाँ पर हमने डिस्कस किया है। इनफैक्ट ये दोनों पैराग्राफ इन्हीं चीज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि क्या क्या चीजें जो होती हैं वो एक जेंटलमैन सपोर्ट करता है और क्या क्या चीजें वो सपोर्ट नहीं करता है। ठीक है, नेक्स्ट लास्ट जो पैराग्राफ था उसमें क्या क्या चीज वो टॉलरेट करता है। ठीक है, टॉलरेंस यानी कि क्या क्या चीज आप बर्दाश्त कर सकते हैं, किन किन चीजों के साथ आप अपने आप को देख सकते हैं रहते हुए। ठीक है, किन किन चीज कौन सी ऐसी चीजें हैं जो आपके लाइफ में आपको कभी परेशान नहीं करेंगी, या आपके लाइफ के जो फिलॉसफी है, जो रूल्स हैं उनको फॉलो करने में कोई उनको प्रॉब्लम ना होगी आपको। ठीक है, तो यहाँ तक हमने पढ़ा था अबाउट व्हाट अ जेंटलमैन थिंक्स एंड बिहेव विद सर्टेन पीपल विद सर्टेन रिलीजन एंड ऑफ हिज ओपिनियन, उसका क्या ओपिनियन होना चाहिए पर्सन को लेके, रिलीजन को लेकर, ये हमने यहाँ पर डिस्कस किया था अभी तक। नेक्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस दिस पैराग्राफ, दैट इज लेट मी जस्ट स्टार्ट विद दिस। ओके, मैम नोट से पढ़ना था। नोट से, हाँ यस आई नो, नॉट दैट ही मे नॉट होल्ड अ रिलेशन टू, इसका मतलब कि ऐसा नहीं है कि अगर कोई जेंटलमैन है जो अगर किसी रिलेशन में बिलीव नहीं करता है या किसी और रिलेशन की तरह बिहेव, किसके प्रति कैसा बिहेवियर रखता है, ये हमने देखा था। मतलब इसका कहने का मतलब ऐसा नहीं था। ठीक है, यहाँ पर जो जो चीजें ऊपर में डिस्क्राइब की गई हैं अबाउट द रिलेशन एंड द पीपल हु आर फॉलोइंग सर्टन बिलीव्स इन देयर रिलेशन, उसमें उनका जिस तरह का बिहेवियर रहना चाहिए एक जेंटलमैन का, ये बताने का मतलब ऐसा नहीं था कि जो जेंटलमैन है उसका अपना खुद का कोई रिलेशन नहीं हो सकता। ठीक है, कोई भी जेंटलमैन है उसका भी एक रिलेशन हो सकता है। ठीक है, इन हिज ओन वे इवन वेन ही इज नॉट अ क्रिश्चियन, मतलब अगर वो क्रिश्चियन नहीं भी है तो भी उनका एक रिलेशन हो सकता है, दैट इज एब्सोल्युटली पॉसिबल। ठीक है, ऐसा नहीं कि इसकी कोई पॉसिबिलिटी हो नहीं सकती है कि अगर आप जेंटलमैन हैं तो आप किसी रिलेशन में नहीं मानते हैं, आपका एक अपना जेंटलमैन, आपका एक अपना रिलेशन हो सकता है। अगर आप क्रिश्चियन नहीं हैं तो भी आप एक जेंटलमैन बन सकते हैं बाय फॉलोइंग ऑल दोस थिंग्स दैट वी हैव डिस्कस प्रायरली एंड वी आर गोइंग टू डिस्कस इन दीज थ्री पैराग्राफ्स। ठीक है, इन दैट केस हिज रिलीजन इज वन ऑफ इमेजिनेशन एंड सेंटिमेंट, यानी कि उसका अगर क्रिश्चियनिटी रिलेशन नहीं है, ठीक है, तो उसका रिलेशन उससे रिलेटेड भी हो सकता है, किससे रिलेटेड, इमेजिनेशन और सेंटिमेंट से रिलेटेड, मतलब वो जिन चीजों को फील करता है। ठीक है, जो चीजें उसकी प्रिंसिपल हैं, जो चीजें वो इमेजिन करता है कि अगर हमारी सोसाइटी इन रूल्स को फॉलो करे तो हमारा सोसाइटी बहुत अच्छा हो जाएगा, या आप किसी की लाइफ बेहतर बना सकते हैं उन इमेजिनेशंस को फॉलो अप करके, यानी कि रियल लाइफ में एक्सप्रेस करके। इट इज द एम्बॉडीमेंट ऑफ दोज आइडियाज, सबलाइन, मेजेस्टिक एंड ब्यूटिफुल, विदाउट विच देयर कैन बी नो लार्ज फिलोसफी। मतलब उसका जो रिलीजन रहेगा उसमें एम्बॉडीमेंट का मतलब होता है उसमें क्या क्या चीजें इंक्लूडेड रहेंगी या किस चीज से वो चीज बनती है। ठीक है, एम्बॉडी का मतलब होता है कि क्या चीज उसको बनाता है, जैसे हमारा जो कैरेक्टरिस्टिक होता है वो हमारी पर्सनालिटी बनाता है, तो उस रिलीजन में क्या चीज होगी जो उस रिलीजन को बनाएगी, वो आइडियाज। सबलाइन मतलब बेसिक चीजें, ठीक है, सबलाइन मतलब बेसिक चीजें जिनके बगैर गुजारा नहीं है, लेकिन ऐसा भी नहीं कि आपको उसको पाने के लिए मतलब जबरदस्ती झगड़ा वगड़ा करना है, वो चीजें जो आपको मिल रही हैं बेसिकली, जो आप के साथ हैं, जो आपके बेसिक चीजें जो आपके पास हैं। मेजेस्टिक यानी कि बहुत बड़ी बड़ी चीजें, ठीक है, जो इम्पोर्टेंट चीजें होती हैं। मेजेस्टिक सिर्फ बड़ा नहीं होता, मेजेस्टिक मतलब होता है कि जो इम्पोर्टेंट है,
ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर आपकी लाइफ में इंपॉर्टेंट है आपका करियर, देन दैट इज अ मेजेस्टिक इश्यू फॉर यू. ठीक है, आपका करियर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, तो वो एक मेजेस्टिक है आपके लिए, तो वो मेजेस्टिक चीजें होनी चाहिए उसमें. और ब्यूटीफुल चीजें मतलब सुंदर चीजें होनी चाहिए, जिनके बगैर, यानी कि इन आइडियाज के बगैर, कौन से आइडियाज, जो सबलाइन है, मेजेस्टिक है और ब्यूटीफुल है, जिनके बगैर कोई लार्ज फिलोसफी नहीं हो सकती है. लार्ज फिलोसफी यानी कि मेरे जो बिलीव्स हैं, जैसे अगर मैं बिलीव करती हूँ कि हमें जो परेशान लोग हैं उनकी हेल्प करनी चाहिए, तो इस फिलॉसफी के पीछे, ये बहुत एक बड़ी फिलॉसफी है, और इस फिलॉसफी के पीछे बहुत एक सुंदर आइडिया है, मेजेस्टिक आइडिया है, बेसिक आइडिया है, जिसको इस फिलॉसफी, जिसके थ्रू हमने ये फिलॉसफी तैयार की है. और यही एक जेंटलमैन का सही रिलीजन होता है. अगर वो क्रिश्चियनिटी नहीं भी फॉलो करता है तो भी उसका एक बेसिक रिलीजन होता है. कौन सा रिलीजन? जो इमेजिनेशन और सेंटिमेंट से भरा होता है. ठीक है, सेंटिमेंट यानी कि आपके जो इमोशंस होते हैं, जो भी चीजें आप फील करते हैं, आप खुश हैं, आप दुखी हैं, आप परेशान हैं, ये सभी चीजें आपके सेंटिमेंट्स को रिप्रेजेंट करता है. तो आपका सेंटिमेंट और आपका इमेजिनेशन मिलकर आपका एक रिलीजन बनाता है, जिसमें ऐसे आइडियाज रहते हैं, ठीक है, जिसमें ऐसे आइडियाज रहते हैं जो कि बेसिक हैं, बहुत इंपॉर्टेंट हैं और बहुत ही सुंदर हैं, जिनके बगैर कोई फिलॉसफी, कोई बड़ी फिलॉसफी आप नहीं दे सकते हैं, या कोई बड़ी फिलॉसफी आप खुद फॉलो नहीं कर सकते हैं. एनीथिंग दैट यू डिडंट अंडरस्टैंड इन दिस पैराग्राफ? इस पैराग्राफ में कुछ ऐसा जो नहीं समझ में आया? नो मैम. ओके, लेट्स मूव अहेड देन. नेक्स्ट पैराग्राफ में क्या चीजें बताई गई हैं? यस, समटाइम्स ही एक्नॉलेजेस द बीइंग ऑफ गॉड. ठीक है, समटाइम्स एक्नॉलेज करना मतलब कि मान लेना कि कोई ऐसा है. ठीक है, बीइंग ऑफ गॉड का मतलब क्या हुआ कि आप भले किसी पर्टिकुलर भगवान में विश्वास नहीं करते हो, ठीक है, आपको कृष्ण जी पे विश्वास नहीं है, आपको राम जी पे विश्वास नहीं है, आपको शिव जी पे विश्वास नहीं है, आपको जीसस क्राइस्ट पे विश्वास नहीं है, आपको अल्लाह पे विश्वास नहीं है, लेकिन आपको इस चीज पे विश्वास है कि कोई ऐसा चीज है, यानी कि आप एक्नॉलेज कर रहे हैं, आप मान रहे हैं कि दुनिया में कुछ तो ऐसा है जो हम सभी के बारे में सोचता है, हम सभी की रक्षा करता है, या कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो इंसान के हाथ से बाहर है, ठीक है, और कोई है जो उन्हें कंट्रोल कर रहा है. तो बीइंग ऑफ गुड गॉड का मतलब कि कुछ ऐसा मतलब मेजेस्टिक पावर जो दुनिया को गवर्न करता है. ठीक है, तो आप एक्नॉलेज करते हैं कि कोई ऐसा एग्जिस्टेंस है किसी चीज का, किसी पावर का, किसी पर्सन का, जो यहाँ पर पूरी दुनिया को कंट्रोल कर रहा है, जो यहाँ पर हर एक चीज का ध्यान रख रहा है. ठीक है, जो हम नहीं कर सकते वो, या फिर जो हमारे हाथ में नहीं है उसे करने के लिए कुछ एक पावर है जो प्रेजेंट है. ठीक है, तो बीइंग ऑफ गॉड का मतलब कुछ एक पावर है जो दुनिया को कंट्रोल कर रही है, जो हमारे हाथ से बाहर है. Sometimes he invests an unknown principle or quality with the attribute of perfection. मतलब वो कभी कभार invest करता है unknown principle में. ठीक है, invest का करने का मतलब पैसे लगाना नहीं, invest करने का मतलब कि आप time invest कर रहे हैं, या उस बारे में सोच रहे हैं, या कुछ अच्छी चीज अगर है तो आप मतलब आप उस पर ध्यान दे रहे हैं. ठीक है, इन्वेस्ट करने का मतलब आप उस चीज पे ध्यान दे रहे हैं, ऐसा नहीं कि आप उस पे इग्नोर कर रहे हैं या आप उस चीज को बिल्कुल भी नहीं सुनना चाहते हैं. आप इन्वेस्ट कर रहे हैं किन चीजों पर? अननोन प्रिंसिपल, मतलब जो प्रिंसिपल उसे नहीं पता है या जो प्रिंसिपल वो फॉलो नहीं करता है, वो उसके लिए अननोन हो गए. तो आप अननोन प्रिंसिपल्स या क्वालिटीज जो हैं परफेक्शन के लिए, कुछ चीजें चाहिए होती हैं, कुछ प्रिंसिपल्स चाहिए होते हैं. जैसे नेचर में बहुत सारे ऐसे प्रिंसिपल पाए जाते हैं जो इंसान कभी अपने लाइफ में फॉलो नहीं कर सकता है, या इंसान के लिए उसका लॉजिक बताना बहुत मुश्किल है. ठीक है, किसी भी नॉर्मल ह्यूमन बीइंग के लिए उस परफेक्शन को बता पाना कि किस परफेक्शन से वो नेचर जो है वो बना है, कुछ नेचुरल चीजें जो यहाँ पर टेक प्लेस द नेचुरल थिंग्स दैट टेक प्लेस इन नेचर दैट कैन नॉट बी डिस्क्राइब्ड फ्रॉम यू कैन से द बेसिक गवर्निंग फंक्शंस और रूल्स दैट वी हैव फॉलोड. हम ह्यूमंस ने जो बेसिक रूल्स, बेसिक प्रिंसिपल्स बनाए हैं, बेसिक क्वालिटीज डिस्क्राइब की हैं, उन सभी चीजों से बाहर एक परफेक्शन है
जो नेचुरली क्रिएट होता है, तो उन चीजों में भी एक जेंटलमैन जो है इन्वेस्ट करता है, यानी इन चीजों के बारे में भी वो सोचता है, इन चीजों के बारे में भी उसे पता है, ठीक है, वो इग्नोर नहीं कर रहा है इन सभी चीजों को. एंड दिस डिडक्शन ऑफ हिज रीजन, डिडक्शन मतलब नतीजा निकालना, ठीक है, कैसे आप डिड्यूस किए किसी चीज को, डिड्यूस का मतलब कम करना भी होता है, ठीक है, लेकिन डिडक्शन का मतलब कम करने का मतलब हुआ कि आपने बहुत कुछ पढ़ा और उससे क्या सीखा, जैसे समरी हो गया, ठीक है, एनालिसिस हो गया, तो वो डिडक्शन होता है कि आपने यहाँ पर क्या सीखा, तो उसका जो डिडक्शन है इस रीजनिंग का, ठीक है, किस किस तरह वो इस निष्कर्ष पे या कंक्लूजन पे आया, और क्रिएशन ऑफ हिज फैंसी, ठीक है, वो किस चीज को पसंद करता है, फैंसी मतलब किस चीज को आप पसंद करते हैं या कौन सी ऐसी चीज है जो आप अपने पास रखना चाहते हैं या आप उस चीज के बारे में इम्पोर्टेंस देते हैं. तो क्रिएशन ऑफ हिज फैंसी, ही मेक्स द ओकेजन ऑफ such excellent thoughts, ठीक है, and the starting point of so varied and systematic a teaching that he even seems like a discipline of Christianity itself. यानी कि उसका जो reasoning रहेगा जिन चीजों को वो fancy करता है, ठीक है, उसका जो thoughts रहेगा, जो excellent thoughts कुछ occasions पे उसके रहते हैं, ठीक है, जैसे मतलब अगर किसी ने कोई अगर रीजनिंग नहीं बता पा रहा है कुछ, जैसे मैंने नेचुरल चीजें जो बताई जिनका रीजनिंग नहीं समझाया जा सकता, लेकिन कभी कभार ऐसा होता है कि कुछ इंसान कुछ ऐसे रीजनिंग आपको दे देते हैं, कुछ ऐसे थॉट्स आपको दे देते हैं जो कि भले वो जो स्टार्टिंग जो कि उस चीज को भले लॉजिकली पूरा एक्सप्लेन नहीं कर रहे हैं, लेकिन एक रीजनिंग आपको मिल जाता है कि क्यों वो चीज हो रही है, ठीक है, एक बेसिक स्ट्रक्चर आपको मिल जाता है कि हाँ हो सकता है कि इस वजह से ये नेचुरल फिनोमेना हो रहा है या इस वजह से इस तरह का कुछ भी नेचर में होता है, ठीक है. एंड द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ वेराइड सिस्टमैटिक एंड अ टीचिंग, मतलब एक अपने आप को सिखाना या दूसरों को सिखाने का एक बेसिक जो स्टार्टिंग पॉइंट है, ठीक है, मतलब वो सिखाने लगता है दूसरों को. जैसे यहाँ पर आपने कोटेशंस देखे होंगे, गूगल पे बहुत सारे आपको कोटेशंस मिल जाएंगे जो कि फेमस पर्सनालिटीज ने बोले हैं. कुछ कोटेशंस ऐसे होते हैं जो कि सिमिलर होते हैं, वही लोग वही चीजें रिपीट करते रहते हैं, लेकिन पहली बार उस बात को किसी ने उठाया होगा, पहली बार उस बात को किसी ने कहा होगा, और वो चीज आपको गूगल में ओरिजिनल कोट्स मिलते हैं. तो ओरिजिनल कोट्स का मतलब क्या हुआ कि वही ओकेशनल एक्सीडेंट या एक्सीलेंट थॉट्स जो होते हैं किसी पर्सन के दिमाग में, वो एक्सीलेंट थॉट आ जाते हैं और उस चीज को वो एक्सप्लेन करता है दुनिया को, ठीक है. मान लीजिए कि आपने किसी का अगर स्पीच सुना हो, ठीक है, बहुत एक अच्छी पर्सनालिटी वाले पर्सन का जो सक्सेसफुल है, जिसने बहुत स्ट्रगल करने के बाद अपना सक्सेस पाया है, तो उनका जो वहां पर कंक्लूजन निकला कि उन्होंने किस तरह यहाँ पर अपना जो भी स्ट्रगल था उसको एक सक्सेस में बदला, ठीक है, तो वो कुछ बताते हैं आपको, वो अपने थॉट्स शेयर करते हैं और उस थॉट से वो स्टार्ट करते हैं बाकी लोगों को सिखाना. एक सिस्टमैटिक तरीके का प्रोग्रेशन हो जाता है कि उस पर्सन को आपने देखा सक्सेस होते हुए, उसने आपको कुछ कहा कि अरे मैंने ऐसा किया था वैसा किया था इस वजह से मैं सक्सेसफुल हुआ. आप भी उस चीज को अपनी लाइफ में फॉलो अप करना चाहते हैं, तो आप क्या करते हैं, आप भी उस चीज को अपने तरीके से, ठीक है, ऐसा नहीं कि उसने वैसा कर दिया तो हम भी वैसा ही करेंगे, नहीं, आपके सिचुएशन डिफरेंट है, तो आप उसे अपने सिचुएशन के हिसाब से ढालने की कोशिश करेंगे कि मेरे सिचुएशन में मेरा जो प्रॉब्लम है, मेरा जो इशू है, उसमें मैं इस टीचिंग को या इस लर्निंग को कैसे इसको समझ सकता हूँ, कैसे इसको अपने प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन निकाल सकता हूँ इससे. तो ये एक वेराइंग सिस्टमैटिक टीचिंग हो जाता है कि हर एक को वो सिखाने लगता है उस थॉट से, उसका जो थॉट प्रोसेस है वो उससे सबको सिखाने लगता है. एंड ही सीम्स लाइक अ डिसिप्लिन ऑफ क्रिश्चियनिटी इटसेल्फ, मतलब अगर वो क्रिश्चियन नहीं है और वो क्रिश्चियनिटी को फॉलो नहीं करता है, उसके बावजूद उसका जो एक प्रोग्रेशन हो जाता है, ठीक है, उसका जो डिसिप्लिन बन जाता है, उसका जो एक तरीका होता है रहने का, वो क्रिश्चियनिटी को खुद डिफाइन करने लगता है, ठीक है, जो चीज क्रिश्चियनिटी का जो बेसिस होता है वो बेसिस उसके डिसिप्लिन में दिखता है, उस पर्सन के, उस जेंटलमैन के डिसिप्लिन में दिखता है, ठीक है.
anything that you didn't understand in this paragraph? Yes, ma'am. हाँ बच्चे बोलिए. मैम बोले समझ में आ गया मैम. अच्छा ठीक है. एनीवन किसी को भी डाउट है तो वो पूछ सकता है. अदरवाइज दिस इज द लास्ट पैराग्राफ एंड देन आई एम गोइंग टू ब्रीफली समराइज कि यहाँ पर क्या क्या चीजें बताई गई. ऑलराइट. सो लास्ट पैराग्राफ इज फ्रॉम वेरी एक्यूरेसी एंड स्टेडीनेस ऑफ हिज लॉजिकल पावर्स ही इज एबल टू सी व्हाट सेंटिमेंट्स आर कंसिस्टेंट इन दोज हु होल्ड एनी रिलीजन डॉक्ट्राइन एट ऑल. And he appears to others to feel and to hold a whole circle of theological truths which exist in his mind, no otherwise than a number of deductions. मतलब क्या कि इन्होंने यहाँ पर क्या किया, अपनी accuracy से, मतलब उनका जो भी यहाँ पर उनका सोच है, उनका जो logical reasoning उन्होंने निकाला, ठीक है, कॉन्स्टेंटली उन्होंने सोचा इस बारे में, ठीक है, कॉन्स्टेंटली उस चीज के बारे में सोचा, एक स्टडी एक्यूरेसी निकाली कि क्या चीज हो सकती है, ठीक है, और उसके बेसिस पे उनकी एक्यूरेसी और स्टडी के लॉजिकल पावर्स के बेसिस पे, लॉजिकल रीजनिंग के बेसिस पे उन्होंने क्या किया, उन्होंने सेंटिमेंट्स see what sentiment are consisted to those who hold any religious doctrine. Religious doctrine का मतलब कोई अगर किसी religion को follow करता है तो किस वजह से करता है, किस sentiment यानी कि क्या feel करने की वजह से करता है, किस consistency से वो follow करता है उस doctrine, उस religion को, ठीक है, वो समझ जाता है, वो देख लेता है, जो जेंटलमैन है वो उस चीज को देख लेता है कि अगर ये पर्सन ये रिलीजन फॉलो कर रहा है तो किस वजह से कर रहा है, क्या सेंटिमेंट्स जुड़े हुए हैं उसके लिए, उस रिलीजन से रिलेटेड, ये सारी चीजें वो डिड्यूस कर लेता है अपने लॉजिकल पावर्स के थ्रू, ठीक है. एंड ही अपीयर्स टू अदर्स एंड टू होल्ड अ होल सर्कल ऑफ थियोलॉजिकल ट्रूथ. थियोलॉजिकल का मतलब होता है स्टडी ऑफ नेचर, गॉड, रिलीजन, इस तरीके की चीजों का जब स्टडी आप करेंगे, ठीक है, तो उसे आप थियोलॉजी कहते हैं. तो थियोलॉजिकल ट्रूथ यानी कि उसकी जो सच्चाई होती है उसे वो अपहोल्ड करता है, ठीक है, उसे वो अपीयर करता है कि सब चीज को उनका जो एग्जिस्टेंस है, उस जेंटलमैन का जो एग्जिस्टेंस है वो उन सभी चीजों पे बेसिस है जो थियोलॉजिकल ट्रूथ है, यानी कि गॉड, नेचर और रिलीजन से रिलेटेड जो चीजें हैं यहाँ पर. गॉड डज नॉट मीन्स कि यहाँ पर क्रिश्चियनिटी को ही रिप्रेजेंट कर रहा है, जो भी भगवान है या बीइंग ऑफ गॉड यहाँ पर जैसा रिप्रेजेंट किया गया है, जो एक्सट्रीम पावर है, जो अल्टीमेट पावर है, उससे रिलेटेड, नेचर से रिलेटेड और बिलीव से रिलेटेड, जो हम बिलीव करते हैं इन सभी से रिलेटेड जो सच्चाई है उसके अराउंड वो उसका एग्जिस्टेंस क्रिएट होता है, ठीक है, वो उसका जो लिविंग एग्जिस्टेंस है जेंटलमैन का वो इसी के अराउंड, मतलब जो भी उसको देखता है, ठीक है, या जो भी उसके बारे में जानता है, ठीक है, वो होल्ड अ सर्कल ऑफ ट्रूथ, मतलब वो इन सभी चीजों को अपने सेंटर ऑफ बीइंग पे रखता है, यानी कि उसका ध्यान सबसे पहले यही है कि नेचर क्या है, गॉड क्या है, ठीक है, रिलीजन्स क्या है, बिलीव्स क्या है लोगों के, और इस बेसिक को माइंड में रखते हुए वो अपना लाइफ का प्रिंसिपल फिलॉसफी बनाता है और किस तरह लोगों से बिहेव करना है, किस तरह का बिहेवियर उसे रखना चाहिए, किस तरह का ओपिनियन उसे रखना चाहिए, वो वैसा क्रिएट करता है, विच एग्जिस्ट इन हिज माइंड नो अदरवाइज देन अ नंबर ऑफ डिडक्शन. मतलब उसके माइंड में ये सारी चीजें, जो ट्रुथ है, जो सच्चाई है, वो एग्जिस्ट तो कर रही है, वो पूरा एग्जिस्ट इसी पे, उसका एग्जिस्टेंस इसी पे टिका हुआ है, लेकिन उसने ये एग्जिस्टेंस इस तरह नहीं क्रिएट किया गया है कि सेंटिमेंट के थ्रू, उसके सेंटिमेंट के थ्रू नहीं है, या फिर उसका कोई, उसने किसने किसी ने बोल दिया उसे, इस वजह से नहीं है, नंबर ऑफ डिडक्शंस की वजह से, मतलब उसने जो समराइज किया, उसने जो सीख ली लाइफ में, उसके बेसिस पे, उसने जो भी कुछ सीखा उसके बेसिस पे उसने ये सारे जो क्रिएशन है उसके माइंड में, उसका जो एग्जिस्टेंस है, थियोलॉजिकल ट्रुथ्स का सर्कल जो है वो क्रिएट किया उसने नंबर ऑफ डिडक्शंस के थ्रू, यानी कि पूरा जो समरी जो सीखा उसने उन सभी के बेसिस पे उसने ये लॉजिकल ट्रुथ्स, थियोलॉजिकल ट्रुथ्स अपने दिमाग में एग्जिस्ट कराए उसने, ठीक है. एनीथिंग दैट यू डिडंट अंडरस्टैंड हियर?
कुछ ऐसा जो स्पेसिफिक पैराग्राफ में नहीं समझ में आया? चलिए, तो समझ में आ गया, तो लेट्स लेट मी गिव यू अ ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ क्या क्या चीजें यहाँ पर डिस्कस की गई हैं. ठीक है, ये फाइल आपके पास है भी? ठीक है, तो अभी हमारे पास फिर भी हाफ एन आवर है, तो हम यहाँ पर ब्रीफली बता सकते हैं कि क्या क्या चीजें यहाँ पर एग्जिस्ट कर रही हैं. ठीक है, जस्ट गिव मी अ मिनट. ओके, यस. तो यहाँ पर पहले क्या डिस्कस किया गया था कि जो हमारा जेंटलमैन है उसका जो बिहेवियर है, उसका जो पर्सनालिटी है, वो किस तरह का रहना चाहिए, वो लोगों से किस तरह इंटरैक्ट कर रहा है. ठीक है, अगर उसके पास लोग बैठे हुए हैं या उसका जो फैमिली है उसके लिए क्या इम्पोर्टेंस रखता है. ठीक है, एम्बैरस नहीं करना है उसे लोगों के सामने, खुद को ना ही अपने फैमिली को. ठीक है, उसका जो यहाँ पर कंफर्टिंग इमेजेस है, ठीक है, उसका वो अगर किसी के सामने बैठा है या उसको उसके बारे में कोई सोचता है तो अच्छा सोचे हमेशा. उसे ऐसा लगना चाहिए जैसे वो बहुत ही कंफर्टेबल कंपनी है, हर किसी को वो पसंद आना चाहिए. पसंद आने का मतलब ये नहीं कि हर किसी को, मतलब हर किसी के आप आपको अगर जेंटलमैन बनना है तो आपको हर किसी को प्लीज करना पड़ेगा, खुश करना पड़ेगा, नहीं, दैट इज नॉट द थिंग. यहाँ पर कहा यह जा रहा है कि जो भी लोग अच्छे लोग हैं उनके साथ वो अच्छा बिहेव करे, जो बुरे लोग हैं उनसे वो दूर रहे. ठीक है, जो उसका जो कंपनी रहता है, मान लीजिए कि अगर कुछ लोग उनके उसके साथ बैठे हैं तो जिस तरह का कंपनी रहेगा, जिस तरह के लोग रहेंगे, अगर बहुत बातूनी लोग हैं उसके साथ बैठे हुए तो वो उनको बात करने देगा. ठीक है, पूछा जाएगा तो वो बताएगा, क्वेश्चन का आंसर करेगा. अगर कोई उसके साथ बैठा है जो बिल्कुल भी बात नहीं करना पसंद करता है किसी से भी, तो वो उन चीज वो उन उनके सामने ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं रखेगा जिससे वो मतलब जिससे उनको खराब लगे. वो पर्सन जो है वो नहीं बात कर पा रहा है तो उससे हम ऐसे बात करेंगे जिसमें वो कंफर्टेबल रहे, जिससे बात करने में वो कंफर्टेबल रहे. ठीक है, गॉसिप्स नहीं करता है. ठीक है, जो भी उसने अगर अपने बारे में बताना है तो अगर पूछा जाएगा उससे तभी वो बताएगा, ऐसे किसी अपने बारे में नहीं बताएगा. यस मैम, गॉसिप मतलब एक बार और बता दीजिए मैम. बच्चे, गॉसिप का मतलब कि किसी के बारे में कुछ बुराई करना पीठ पीछे, उसे गॉसिप कहते हैं. ठीक है, हाँ, तो वो गॉसिप नहीं करता है. जेंटलमैन जो है वो गॉसिप ना सुनता है ना करता है. ठीक है, और वो अपने बारे में तभी बताएगा जब आप उनसे पूछेंगे. ठीक है, या सामने से पूर किया जाए पूछने के लिए तभी वो बताएगा. ठीक है, वो किसी को हमेशा हर चीज के बारे में पॉजिटिव थिंकिंग रखता है. ठीक है, किसी के भी बारे में या किसी भी सिचुएशन को लेकर भी वो नेगेटिव थिंकिंग नहीं रखेगा. अगर कुछ बुरा भी हो रहा है उसके साथ तो वो यही सोचेगा कि ये शायद हमारे भले के लिए है या मेरे भले के लिए ही है. ठीक है, छोटे मोटी जो लड़ाइयाँ होती हैं अगर उसमें वो फंस भी जाता है, मान लीजिए उससे किसी ने जबरदस्ती लड़ाई कर भी रही, तो वो किसी को नीचा नहीं दिखाएगा लड़ाई में. ठीक है, वो सच्चाई के साथ और अच्छे बिहेवियर के साथ वो आर्ग्यूमेंट जो है, जो लड़ाई है, वो जीतेगा. अदरवाइज वो सामने वाला अगर उससे जानबूझकर नीचा दिखा रहा है, किसी का फायदा उठा रहा है, तो उस सिचुएशन से वो बिल्कुल ही दूर रहेगा. ठीक है, और जितने भी उसके दुश्मन हैं, जितने भी एनिमीज हैं, उन्हें वो दोस्त बनाने की कोशिश करेगा. ठीक है, लेकिन जो परेशानियां उसके दुश्मन ने दी हैं उससे वो सीख भी लेगा. ऐसा नहीं कि दोस्त बनाने के चक्कर में आप खुद को फंसा ले किसी चीज में. जो भी है उससे डिस्टेंस मेंटेन करके रखेंगे लेकिन फ्रेंडली तरीके से. ठीक है, वो किसी को कभी इंसल्ट नहीं करेगा. ठीक है, अगर उसको वहां पर समझ उतनी है कि अगर किसी ने वहां पर लड़ाई कर भी ली तो वो वहां पर किसी को इंसल्ट नहीं करेगा. ठीक है, जो भी परेशानियां हैं वो अपने ऊपर मतलब जो भी दुख तकलीफ उसे हुई है वो अपने तक रखेगा, किसी और को वो चीजें नहीं बताएगा, किसी और पे अपना गुस्सा नहीं निकालेगा. ठीक है, जो दर्द है लाइफ में, दैट इज द पेन इज द रियलिटी ऑफ लाइफ. पेन और डेथ ऐसी चीज है जो आप लाइफ में हर
हर किसी को एक्सपीरियंस करना ही होता है, तो वो उस चीज से लड़ेगा नहीं, वो उस चीज को सबमिट कर देगा। पेन को आपको या डेथ से आपको सबमिट कर देना है कि जो आपकी डेस्टिनी में तकलीफें लिखी हैं आप उस चीजों को झेलोगे ही, और डेथ कभी ना कभी आपकी लाइफ में आएंगी ही। तो इस चीज से एक जेंटलमैन कभी भी डरता नहीं है, कभी भी लड़ता नहीं है, वो इनएविटेबल है, यानी कि हमेशा होंगे ही होंगे, आपके रोकने से वो रुकेंगे नहीं। नेक्स्ट थिंग, वो कॉन्ट्रोवर्सीज में इंक्लूड नहीं होना चाहता है। कॉन्ट्रोवर्सी का मतलब क्या? ऐसा डिस्कशन या ऐसा सिचुएशन जिसका कोई आंसर नहीं है, जिसका कोई स्पेसिफिक आंसर नहीं है, ठीक है। जैसे अगर कोई टॉपिक अगर लिया जाए ऐसा जिसपे कॉन्ट्रोवर्सीज क्रिएट हो सकती हैं, तो सामने वाली जो एक तरफ वाली पार्टी है, आपका जो ओपिनियन है, ठीक है, आपका ओपिनियन हो सकता है कि एक एक्स वाई दो जो अगर आपस में कॉन्ट्रोवर्सी कर रहे हैं, तो हो सकता है कि आपका ओपिनियन एक्स से मिलता हो, कोई और पर्सन हो जिसका ओपिनियन वाई से मिलता हो, ये कॉन्ट्रोवर्शियल होता है। इस चीज का कंक्लूजन कभी भी नहीं निकलेगा, क्योंकि हर किसी का अपना अपना ओपिनियन होता है, ठीक है। तो वो कॉन्ट्रोवर्सी में अगर इंक्लूड हो भी गया, पहली बात तो वो कभी इंक्लूड होता नहीं है खुद से, अगर किसी ने उसे जबरदस्ती इंक्लूड कर दिया किसी कॉन्ट्रोवर्सी में, किसी ऐसे सिचुएशन में जिसका निष्कर्ष निकालना मुश्किल है, तो वो बहुत ही डिसिप्लिन तरीके से वहां पर अपने को एक्सट्रैक्ट करने की कोशिश करेगा, यानी कि अपने को वहां से निकालने की कोशिश करेगा, ठीक है। डिसिप्लिन तरीके से का क्या मतलब हुआ? कि वो सामने वाले को कभी भी नीचा नहीं दिखाएगा, ठीक है, वो सामने वाले का जो इमेज है उसे गिराने की कोशिश नहीं करेगा, ठीक है। इस तरीके का वहां पर प्रेजेंटेशन वो करेगा कि जो भी उसके जो कैरेक्टरिस्टिक हैं उसके ऊपर कभी भी क्वेश्चन नहीं किया जाएगा, ठीक है। उसका जो ओपिनियन है वो गलत भी हो सकता है, सही भी हो सकता है, लेकिन उसका इतना दिमाग है उसके पास कि वो किसी से अपना ओपिनियन को लेके लड़ेगा नहीं। हो सकता है कि वो गलत हो, क्योंकि उस सिचुएशन में उसने कभी वो गया नहीं है, जिसने गया है वही एक्सपीरियंस किया है, तो वही बता सकता है कि ये किस तरह का सिचुएशन है, और उसी हिसाब से वो वहां पर डिस्कशन करेंगे, ठीक है। वहां पर वो डिसीजन तभी लेगा जब उसके पास वैलिड प्रूफ है, अगर नहीं है तो वो अपना ओपिनियन जो है ओपन रखेगा, क्लियर हेडेड रखेगा, ठीक है। वो जबरदस्ती किसी पे अपना ओपिनियन नहीं थोपने की कोशिश करेगा, और ना ही किसी और को अपना ओपिनियन थोपने देगा, ठीक है। उसका अपना एक ओपिनियन है, अगर आपको प्रूफ करना है उसका ओपिनियन जो है गलत है, तो आप एक्चुअल प्रूफ के साथ उसे बताइए कि ये देखिए प्रूफ, आपका जो ओपिनियन है वो सही नहीं है, वो तब मान सकता है आपकी बात, लेकिन उससे पहले आप सिर्फ लड़कर उससे उसका ओपिनियन बदलवा नहीं सकते, ना ही वो आपसे लड़ेगा आपका ओपिनियन बदलने के लिए। उसके पास हर एक नॉलेज है कि ह्यूमन के क्या स्ट्रेंथ्स होते हैं, ह्यूमन के क्या वीकनेसेस होते हैं, यानी कि उसकी क्या लिमिटेशंस हैं, ह्यूमंस की क्या लिमिटेशंस है वो अच्छी तरह जानता है, तो उसी के बेसिस पे वो एक्ट करेगा। वो इस तरह कभी भी बिहेव नहीं करेगा कि जो भी आपका यहाँ पर स्ट्रेंथ्स हैं, जो भी वीकनेसेस हैं, उनको छुपाने की कोशिश नहीं करेगा, उन्हें एम्ब्रेस करके, यानी कि उनको साथ में लेकर आप आगे बढ़ेंगे। अगर आपकी कोई वीकनेस है, आपकी कोई वीकनेस है, तो उसको क्या करेंगे, आप साथ में लेंगे, आप एक्सेप्ट करेंगे सबसे पहले कि ये चीज मेरी वीकनेस है, और उसके बाद अगर आप उसका सोल्यूशन निकालना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको एक्सेप्ट करके आगे बढ़ना होगा, ये मेरी वीकनेस है, इससे या तो मैं दूर रह सकता हूँ या फिर इसको मैं अपनी स्ट्रेंथ में बदलने की कोशिश कर सकता हूँ, ठीक है। वो उसके पास इतना अच्छा दिमाग है, या आप कह सकते हैं कि लार्ज माइंडेड है उसके पास, इतना छोटा माइंडेड नहीं है, वो छोटी सोच वाला इंसान नहीं है एक जेंटलमैन, कि वो किसी भी रिलीजन को रिजिक्यूल करे, रिजिक्यूल मतलब उसके बारे में कुछ बुरा भला बोले। तो अगर किसी रिलीजियस एक्ट में ऐसा कुछ हो रहा है जो आपको सही नहीं लगता है, अगर आप जेंटलमैन हैं, आपको लगता है कि कोई अगर अपना रिलीजन यहाँ पर बिलीव्स जो है उनको बताने के लिए कुछ ऐसा एक्ट कर रहा है जो आपको सही नहीं लग रहा है, तो आप वहां पर उसे मतलब आप वहां पर उसे मीन तरीके से, मतलब बहुत ही गंदे तरीके से आप बोलेंगे नहीं कि ये गलत है वगैरह, ठीक है, आप लड़ेंगे नहीं वहां किसी से, पर मतलब किसी को ऐसा कमेंट नहीं करेंगे कि अगर वो अपना रिलीजन फॉलो कर रहा है तो वो हर्ट हो जाए, ठीक है, कि मेरे रिलीजन के बारे में ऐसा बोल दिया, या मेरे बारे में ऐसा बोल दिया, वो मेरा रिलीजन है मैं फॉलो कर रही हूँ,
तो कोई जेंटलमैन कभी भी किसी और के रिलेशन को फॉलो करने के तरीके पे सवाल नहीं उठाता है, ना ही उसे नीचा दिखाएगा, ठीक है। He respects all those things, मतलब क्या क्या चीजें वो रिस्पेक्ट करता है, अगर मेरे रिलीजन फॉलो करने से मैं कुछ ऐसा काम कर रही हूँ जो कि लोगों के लिए अच्छा है, या फिर मेरे अर्थ के लिए अच्छा है, या नेचर के लिए अच्छा है, या बाकी लोग जो रह रहे हैं अर्थ में उनके लिए अच्छा है, तो वो उस चीज को रिस्पेक्ट करेगा। रिस्पेक्ट ही नहीं, वो उस चीज को सपोर्ट भी करेगा। अगर मेरा एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जो किसी जो कुछ लोगों की हेल्प करता है जिन्हें जरूरत है, किसी भी तरह की हेल्प करता है जिन लोगों को जरूरत है उन हेल्प की, तो वो उस चीज में इन्वेस्ट भी करेगा, वो सपोर्ट करेगा, ठीक है। वो मेरे साथ मिलकर वो काम करेगा जिसमें हम लोगों की हेल्प कर सके। वो उस चीज को मतलब ये नहीं कहेगा कि जस्ट बिकॉज आई एम डूइंग इट बिकॉज ऑफ माई रिलेशन, मैं अपने रिलेशन के लिए ऐसा कर रही हूँ, तो वो मुझे नीचा नहीं दिखाएगा, ठीक है। वो मेरे साथ मिलकर सपोर्ट करेगा उस काम को करने के लिए, और ना ही वो अपना रिलेशन छोड़ रहा है इस चीज को मेरे साथ सपोर्ट करके, क्योंकि कोई भी रिलेशन ऐसा नहीं होता है जो अच्छे काम को रोक सके, ठीक है। तो यहाँ पर अगर इस तरीके का कोई काम हो रहा है, कोई इंस्टीट्यूट है या कोई पर्सन है जो रिलेशन का नाम लेकर ही लेकिन अच्छा काम कर रहा है, तो वो उसकी रिस्पेक्ट करेगा और वो उसको सपोर्ट करेगा, ठीक है। उसके पास इतना टॉलरेंस है, ठीक है, कि हर एक रिलीजन जो है उसको वो टॉलरेट करता है फ्रेंडली तरीके से। उसकी जो फिलॉसफीज हैं, ठीक है, उसमें वो अड़चन नहीं आने देता, ठीक है। जो भी चीज वो मानता है, जस्ट बिकॉज वो मेरे साथ सपोर्ट कर रहा है मेरे रिलीजन के काम को, इसका मतलब ये नहीं है कि वो अपना रिलीजन छोड़ देगा या फिर अपना बिलीव छोड़ देगा। वो अपने बिलीव को अपने पास रखेगा, अपनी चीजों को, अपने जो भी चीज वो मानता है उन सभी चीज को वो देखेगा, ठीक है, लेकिन अपना जो फेथ है वो हटाएगा नहीं कहीं भी, इम्पार्शियल आई के नजर से नहीं देखेगा, ठीक है। मतलब क्या कि वो ऐसा नहीं है कि जस्ट बिकॉज ही बिलोंग्स टू अ सर्टेन रिलीजन वो दूसरी रिलीजन्स को या दूसरे रिलीजन फॉलो करने वाले को नीचा दिखाए, या फिर इम्पार्शियली मतलब यहाँ पर मतलब बिना देखे समझे वो कुछ बोले ना, बिना देखे समझे वो किसी को बुरा ना बोल दे कुछ, वैसा काम एक जेंटलमैन कभी भी नहीं करता है, ठीक है। सिविलाइजेशन के लिए जो चीजें अच्छी हैं, जो एक समाज में रहने के लिए जो चीजें उसे फॉलो करनी चाहिए वो फॉलो करेगा, ठीक है, और झगड़ा नहीं होने देगा। अगर वो किसी रिलीजियस डिस्प्यूट में पड़ रहा है, मान लीजिए कोई और उसके साथ रह रहा है या पास में रह रहा है, नेबर है कोई उसका, वो दूसरा रिलीजन फॉलो करता है, तो बीइंग अ जेंटलमैन ये आपका मतलब ये आपका बिलीव होना चाहिए कि आप उसे फॉलो करने दें, ठीक है। आप उसे नहीं रोकेंगे, सिर्फ इसलिए नहीं रोक सकते क्योंकि आप उस चीज को फॉलो नहीं करते, ठीक है। ये एक जेंटलमैन का काम नहीं हो सकता है, ठीक है। तो और क्या चीज है यहाँ पर, वो समझेगा कि क्या बेसिक चीजें हैं, क्या सेंटिमेंट्स जुड़े हुए हैं किसी पर्सन के लेकर कि वो पर्टिकुलर रिलेशन फॉलो करता है। और अगर ये सारी चीजें ट्रू हैं, तो ऐसा नहीं है कि जो जेंटलमैन है उसका कोई रिलीजन नहीं है। अगर वो क्रिश्चियनिटी नहीं फॉलो कर रहा है, और अगर वो कर भी रहा है, तो ऐसा नहीं है कि क्रिश्चियनिटी फॉलो करने वाले हर एक लोग जेंटलमैन होते हैं, या क्रिश्चियनिटी नहीं फॉलो करने वाले लोग जेंटलमैन नहीं होते हैं। इट इज बोथ काइंड ऑफ पॉसिबिलिटी। जेंटलमैन को क्या डिफाइन करेगा कि वो उसका जो रिलेशन रहेगा वो इमेजिनेशन और सेंटिमेंट पे बेस्ड रहेगा, यानी कि उसकी दूसरों को लेके क्या फीलिंग है या दूसरे की क्या चीज के लेकर फीलिंग्स हैं, उन सभी को ध्यान में रखते हुए एक इमेजिनरी वर्ल्ड क्रिएट वो करेगा अपने माइंड में, जहां पर वो हर किसी के साथ ऐसे रह सके कि हम किसी को ना ही नीचा दिखाएं, और ना ही अपने कोई नेगेटिव थॉट्स, नेगेटिव जो थॉट्स हैं मेरे अपने माइंड में उस पे वो एक्ट करे, ठीक है। उसे जरूरी नहीं है कि वो अगर किसी पे गुस्सा करना चाहता है तो वो गुस्सा कर ही दे, ठीक है। हो सकता है कि उसके गुस्सा करने से सामने वाले को परेशानी हो। ऑलराइट, सो नेक्स्ट, यहाँ पर जो उसके आइडियाज होंगे, जो बेसिक रिलीजन होगा वो किस चीज पे बेस्ड होगा, ऐसे आइडियाज जो बहुत बहुत ही सबलाइन है, यानी कि बहुत ही सिंपल है और बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ही सुंदर है, बहुत ही ब्यूटीफुल। यहाँ पर क्यों लिखा गया है ब्यूटीफुल, इसीलिए लिखा गया है जो अच्छे विचार होते हैं उनको रिप्रेजेंट करने के लिए, ठीक है। सुंदर मतलब ऐसा नहीं कि आप सुंदर लोगों के बारे में सोच रहे हैं या सुंदर चीजों के बारे में सोच रहे हैं,
ब्यूटिफुल यानी कि वो आइडियाज जो बहुत ही अच्छे हैं, ठीक है। तो उसके जो आइडियाज होते हैं फिलोसफी के, वो बेस्ड होते हैं सिंपल चीजों पर और इम्पॉर्टेंट चीजों पर और अच्छी चीजों पर, ठीक है। इस तरह का उसका फिलॉसफी बनता है जो वो फॉलो करता है अपने लाइफ में, ठीक है। वो अगर किसी गॉड को एक्नॉलेज करे ना करे, उसके दिमाग में ये चीज रहती है कि दुनिया में कोई एक ऐसा पावर है जो हम सबके बारे में सोचता है, जो हम सबकी रखवाली कर रहा है, जो हम सबको गवर्न कर रहा है, ठीक है, जिसके रूल्स के बेसिस पे दुनिया चल रही है, ठीक है। उसके जो पर्सनालिटी, उसका जो प्रिंसिपल होता है, वो इस तरह इन्वेस्ट करता है उन चीजों को लेकर, ठीक है। मतलब वो इन सब चीजों के बारे में एक मानता है कि ऐसा कोई है जो हमारी रखवाली कर रहा है, जो हमारे बारे में सोच रहा है, जिसके रूल्स के बेसिस पे पूरा यूनिवर्स चल रहा है, ठीक है। और वो इन चीजों पे इन्वेस्ट करेगा, यानी कि इन चीजों के बारे में सोचेगा कि जो प्रिंसिपल है नेचर में या किसी अदर रिलीजन में, वो क्यों नियम बनाए गए हैं, वो उन चीजों पर ध्यान देगा, ठीक है। और एक परफेक्शन क्रिएट करने की कोशिश करेगा, एट्रीब्यूट्स ऑफ परफेक्शन, यानी कि ऐसा नहीं कि आधे मन से आप बस सोच रहे हैं कि ऐसा क्यों हुआ, नहीं, एकदम परफेक्ट तरीके से आप सोचने की कोशिश करेंगे कि आखिर ऐसा क्यों हुआ। और ये रीजनिंग जो होती है, पूरा सोचने के बाद, पूरा समझने के बाद उसका जो डिडक्शन निकला, उसके बेसिस पे वो अपना एक एक्सेलेंट थॉट तैयार करेगा, जो कि वो दूसरों को बताकर उनको भी हेल्प करेगा, उनको भी ये सिखाने की कोशिश करेगा कि किस तरह आप बिना किसी एक पर्टिकुलर रिलीजन को फॉलो किए भी एक अच्छे इंसान, एक जेंटलमैन बन सकते हैं, ठीक है। उसका जो मतलब जो बेसिक होता है, क्रिश्चियनिटी का जो बेसिस होता है, उसका कोर को रिप्रेजेंट करने लगता है वो पर्सन, जो एक जेंटलमैन है वो उसके बेसिस को रिप्रेजेंट करने लगता है, ठीक है। और उसके जो भी ये लॉजिकल पावर्स हैं, जिन लॉजिकल रीजनिंग है, जिनकी वजह से वो क्या करता है कि जितने भी रिलीजन डॉक्ट्राइंस हैं या फिर जो भी ट्रूथ है हमारे नेचर के बारे में, हमारे गॉड के बारे में, हमारे रिलीजन के बारे में, हमारे बिलीव के बारे में, जो भी ट्रूथ्स हैं, सच्चाई है, उन सभी को अपने बेसिस, अपने दिमाग में एग्जिस्टेंस रख कर एक जो नंबर ऑफ कंक्लूजन है उसके, ठीक है, नंबर ऑफ चीजें हैं, नंबर ऑफ थॉट्स हैं जो उसने कंक्लूड किए हैं उन सभी चीजों से जो उसने सीखा है, और उन सभी को लेकर उसने जो है वो सेंटिमेंट क्रिएट किया है, ठीक है, जिस एक कंसिस्टेंस उसके पास वो थिंकिंग है, ठीक है। और वो उन सभी चीजों को रिस्पेक्ट करता है, उन सभी चीजों को फॉलो करता है जो लोग किसी रिलीजन के बारे में सब कुछ फॉलो अप करवाना चाहते हैं, जो अच्छी चीजें हैं, जो कंक्लूजन उसने निकला है, वो किसी एक पर्टिकुलर रिलीजन को लेकर नहीं, वो उस सच्चाई को लेकर आगे बढ़ता है, ठीक है। कि अगर हम मान लीजिए अगर हम हिंदू हैं, तो हमारे जो बेसिक्स हैं, हमारी जो सीख है जो हमने पूर्वजों ने हमें दी है, उन सीख को लेकर, उन सच्चाई को लेकर हम आगे बढ़े, ना कि इस वजह से क्योंकि सिर्फ हम हिंदू हैं, ठीक है। यानी कि रिलीजन मैटर नहीं करता है, किस रिलीजन को आप फॉलो कर रहे हैं, वो सच्चाई जो आपके सामने है, जो नेचर दिखा रहा है, जो गॉड दिखा रहा है, जो बिलीव्स हमारे हैं, उन सभी जो बिलीव्स हमें पूर्वजों से मिले हैं, उन सभी बिलीव्स को लेकर हम अपने थॉट्स प्रोसेस को इस तरह बढ़ाएंगे कि हम इस चीज को लेकर आगे बढ़े, ठीक है, ना कि सिर्फ एक रिलीजन का नाम लेकर। एनीथिंग दैट यू डिडंट अंडरस्टैंड इन दिस होल चैप्टर, ये पैसेज जो मैंने भेजा था, इसमें मैंने पहले भी बताया है कि यहाँ पर मैंने जो राइटर है उनके बारे में भी कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन लिख दी है, ठीक है। दैट डजंट मीन कि आपको इन सब चीजों के बारे में जानना ही जानना है, क्या क्या चीजें आपको ये इम्पोर्टेंट रहती हैं, ठीक है, जैसे बाकी क्लासेस में भी मैंने बताया है। तो अगर आपके जो डेट्स आएंगी, ठीक है, इम्पोर्टेंट डेट्स जो रहती हैं, वो राइटर का बर्थ डेट आ सकता है, दैट इज अ पॉसिबिलिटी, लेकिन इम्पोर्टेंट डेट्स जो रहते हैं, दैट इज कि उन्होंने पोयम या स्टोरी कब लिखी है, या ऐसे जो है वो कब लिखा है और वो कब पब्लिश हुआ है, ये दो डेट्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। इनको आप ध्यान में रखिएगा, आप सर्च कर सकते हैं आराम से किसी भी चैप्टर के बारे में जो भी हमने पढ़ा है। ये सारे फोल्डर्स मैंने आपको भेज दिए हैं, आप रीड करते रहिएगा इसका। हम लोग नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसका क्वेश्चंस कर लेंगे, ठीक है। अगर कोई डाउट है तो पूछ लो, अदरवाइज लेट मी जस्ट टेक योर अटेंडेंस।
अगर कोई भी किसी को कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, अदरवाइज मैं यहाँ पर अटेंडेंस लगा देती हूँ आपका। डाउट नहीं है किसी को? नो मैम। ऑलराइट, अगर डाउट नहीं है तो आई होप कि इसका जाके आप रिवीजन करेंगे, ठीक है? ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया है। लेट मी सी हाउ मेनी एल्स आर लेफ्ट। यस, तो आपका यहाँ पर 1, 2, 3, 4 चैप्टर्स और रह गए हैं। दैट इज 3 ऑफ योर एसे एंड आर्टिकल, ऑफ स्टडीज बाय बेकन, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, फॉरगेटिंग। ये 3 आपके एसे और आर्टिकल्स रह गए हैं, और एक नॉवल है दैट इज एनिमल फार्म, ठीक है? इन सभी को हमको फिनिश करना है। तो ये हमारा जेंटलमैन खत्म हो गया है। नेक्स्ट क्लास में इसके क्वेश्चंस मैं सिर्फ लिखवाने के बाद नेक्स्ट क्लास ही हम नेक्स्ट ऐसे शुरू कर देंगे, ठीक है? बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगता है, इतना बड़ा भी हमने 3 क्लासेस में खत्म कर लिया है, तो बाकी 3 क्लासेस में 3 खत्म हो जाएंगे। एट दी एंड हम सिलेबस कम्प्लीट कर सकते हैं आराम से, ठीक है? रिविजन जो होगा बीच में, अगर हम रिविजन करते रहेंगे इन सभी चीजों को लेकर, अगर जो भी आपके डाउट्स हैं, ठीक है, वो आप पूछते रहेंगे। 3 चैप्टर्स और रह गए हैं, उनके बेसिस पे फिर हमारा जो भी रहेगा वो हम करते रहेंगे, ठीक है? ऑलराइट, सो आपका अटेंडेंस मैं ले लेती हूँ। एंड अगर कोई डाउट होता है आपको इससे रिलेटेड, क्वेश्चंस आप खुद भी सर्च करके लिख सकते हो कि क्या क्या क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है? लास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर आपको मिल जाएगा, लास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर। नेक्स्ट हमारा जो रहेगा ऐसे जो हम पढ़ने वाले हैं, दैट इज ऑफ स्टडीज बाय बेकन, राइटर, उनका राइटर का नाम है बेकन। तो वो पीडीएफ जो है ऑफ स्टडीज का, वो मैं आपको सेंड कर दूंगी आज ही दोनों क्लास में, 445 एंड 444 में, एंड वी विल यू कैन रीड दैट, ठीक है? एंड बेसिक इन्फॉर्मेशन अबाउट द राइटर एंड ऑल, वो भी मैं यहाँ पे क्लास में ही डिस्कस कर लूंगी, ठीक है? तो जो भी चीजें यहाँ पर रहेंगी वो मैं फोल्डर पहले ही भेज देती हूँ, ताकि आप लोग रीड कर ले अगर आपको टाइम मिले। नेक्स्ट क्लास पर स्टार्ट करेंगे उसका डिस्कशन, और ये पढ़ लेना चैप्टर ऑफ हिज द डेफिनेशन ऑफ अ जेंटलमैन, क्योंकि इसके क्वेश्चंस नेक्स्ट क्लास डिस्कस करेंगे। एंड ट्राई टू आंसर दोज क्वेश्चंस, ठीक है? अगर आप बोल रहे हो कि सब कुछ समझ में आ गया, तो नेक्स्ट क्लास जब क्वेश्चन डिस्कस करेंगे तो मुझे आंसर भी मिलने चाहिए। ऑलराइट, थैंक यू मैम। ओके, सो लेट्स एंड दिस क्लास हियर देन। कोई मैं आपको फोल्डर भेज दूंगी, उसको आप पढ़ लीजिएगा आराम से, एंड नेक्स्ट क्लास फिर हम उसको डिस्कस करेंगे, ठीक है?